अलीबाबा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अलीबाबा को आप एक मैच मेकिंग सर्विस की तरह देख सकते हैं, जहाँ जैसे कि शादी.com, जहाँ पे आप 10 लोगों से बात करते हैं, 4 लोगों से आपकी मुलाकात होती है, 1 से आपकी शादी होती है। उसी तरीके से अलीबाबा पे भी आप 10 सप्लायर से बात करते हैं, 4 से आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग ETC मैच होती है और 1 के साथ आपकी डील फाइनल होती है। आप यहाँ से ऑलमोस्ट सभी तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम चीप प्लास्टिक गुड्स टू फुल ब्लोन मशीनरी फॉर योर फैक्ट्री। और क्योंकि अलीबाबा पे मोर देन 150,000 एक्टिव सप्लायर हैं, इसलिए इनमें से कुछ सिर्फ मिडलमैन होते हैं जो फैक्ट्री से माल खरीद के आपको बीच में कमीशन जोड़ के सेल करते हैं, और कुछ फैक्ट्रीज तो सिर्फ चीप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसीलिए अलीबाबा पे एक राइट सप्लायर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और एक राइट सप्लायर को कैसे ढूंढा जाता है, उसके लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कौन से वो तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका यूज करके आप एक राइट एंड जेन्युइन सप्लायर को ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो कौन से स्कैम है जो मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स करते हैं, फिर चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, जेन्युइन हो या फेक हो। मेरा आई बटन वाला वीडियो देखने के बाद आप इस स्कैम को एटलीस्ट 50% तो अवॉइड कर देंगे, बट फिर भी कई बार वेरीफाइड और बड़े सप्लायर्स भी कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिनका यूज करते हैं अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए और अपना थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए। तो ये 4 सबसे कॉमन तरीके के स्कैम है जो चाइनीज सप्लायर्स के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला है सडन इंक्रीज इन प्राइसिंग। इसमें होता है कि आपने जब किसी सप्लायर के साथ सारी चीज़ें फाइल कर ली, प्राइसिंग वगैरह सब फाइल कर लिया, सैंपल मंगवा लिया, वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ठीक है, बट जब आप बड़ा ऑर्डर देने जाते हैं तो सप्लायर सामने से बोलता है कि प्राइसिंग, आपने जो प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाया था उसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे से रूल्स चेंज कर दिए हैं, या तो फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गया या फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, इस तरह का कुछ बहाना मार के वो एक्चुअल बड़े ऑर्डर के टाइम पे अपना मार्जिन इंक्रीज करने के लिए और सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए बोलते हैं कि आपका जो प्राइसिंग है वो बढ़ चुका है, अब आपको सेम प्रोडक्ट के सेम क्वांटिटी के लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। एट द वेरी इनिशियल स्टेज ही आप उन लोगों से बात कर ले कि मैं बाद में किसी भी तरह कोई भी प्राइसिंग इंक्रीज होगा तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं होऊंगा। इसको प्रिवेंट करने का एक और तरीका ये भी है कि आप हमेशा 1-2 सप्लायर को सेम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ बैकअप में जरूर रखें। दूसरा सबसे कॉमन तरीके का स्कैम है डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सैंपल एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। जी हाँ, जब आपने सैंपल मंगवाया तो उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, जब आप बड़ा ऑर्डर देते हैं तो उसका जो आपके पास माल आता है, जो पूरी शिपमेंट आती है, उसकी क्वालिटी में फर्क होता है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा क्वालिटी भी निकल के आता है सामने से। तो इस पर्टिकुलर क्वालिटी में डिफरेंस के स्कैम को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एट द टाइम ऑफ इनिशियल सैम्पलिंग, जब आप उनके साथ एग्रीमेंट में घुस रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंशन करें कि क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्या रहने वाला है, कितनी थिकनेस रहने वाली है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए हैं और आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आप एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी हायर कर सकते हैं। चाइना में ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंट होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फाइनल डिलीवरी से पहले फैक्ट्री में जाके माल की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, आपको फोटो वगैरह सेंड करते हैं। तीसरे तरीके का स्कैम है सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। कई बार कई सारे फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं अलीबाबा पे आपको मिल जाएंगे, ऐसे कई तरह के फैक्ट्रीज जो दावा करेंगे कि आप लोगों को जो मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट दे दूंगा, मैं नाइकी, एडिडास या किसी और बड़े ब्रांड का जो हूँ ऑथराइज सप्लायर हूँ, और मैं बहुत ही चीप प्राइस में आप लोगों को ये गुड्स दे दूंगा क्योंकि हमारे पास ये बहुत बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, बहुत सारे रिजेक्टेड पीसेज हमारे पास पड़े रहते हैं। तो इस धोखे में कभी मत आना, जो भी ब्रांडेड सप्लायर है किसी भी ब्रांड के साथ उसका एसोसिएशन है वो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, सबसे पहली बात। तो सेकंड ये है, ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ये फेक होते हैं, कई बार वो पैसा लेके आप लोगों को कुछ भेजेंगे नहीं, भेजेंगे भी तो बहुत थर्ड क्वालिटी का माल भेज देंगे। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल भी जाता है कि फर्स्ट कॉपी बेच रहा है और आपको बोलता है कि आप मंगवा लो, मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूँ, और आपने मंगवा भी लिया और उसने अच्छा माल भेज भी दिया, बट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट इंडिया में आप उसको क्लियर नहीं करा पाएंगे क्योंकि IPR की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, क्योंकि जो भी ब्रांड्स हैं वो अपने उसके जो ऑथराइज इंपोर्टर्स हैं वो भी वही इंडिया में किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं बल्क क्वांटिटी में, कोई भी थर्ड पर्सन चाइना से कोई पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करा सकता जिसका ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंस है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपको सामने से अच्छा माल मिल भी जाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल भी जाता है, तो इंडिया में लाने के बाद आप उसको क्लियर नहीं करा पाएंगे। फोर्थ और सबसे कॉमन तरीका स्कैम यह है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो चाइना का सप्लायर बोलता है कि इसकी जो भी कंप्लाइंस आपकी कंट्री में लगते हैं उसके सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार अच्छे सप्लायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप अपनी तरह से चेक करा लो, कई बार जिनको अपना सिर्फ सेल बढ़ाना होता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास सारे कंप्लाइंसेस, सारे आपके देश के कंप्लाइंसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप फिक्र मत करो, आप हमारे को ऑर्डर दे दो, हम यहाँ से माल सेल कर देंगे और डॉक्यूमेंट भेज देंगे, उसके बिहार पे आपका जो है प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस धोखे में कभी मत आना, ये बहुत ही कॉमन तरीके का स्कैम है जो कि अलीबाबा के सप्लायर्स यूज़ करते हैं। जब भी वो बोले कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो मोस्टली उस पर BIS WPC लगता है, और कई बार कई तरह के BIS होते हैं, कई बार BIS एक्सपायर्ड भी हो चुका होता है जो सामने से सप्लायर आपको देता है, तो वो बिफोर हैंड आप अपने सप्लायर और फॉरवर्डर से चेक करा लें कि जो भी आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बिहाफ पे सप्लायर जो भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाएगा, उसको एक बार आप अपने CHA और फॉरवर्डर से जरूर चेक करा लें। तो ये कुछ 3-4 तरीके के स्कैम ट्रिक्स टिप्स हैं जो अलीबाबा चाइनीज सप्लायर्स यूज़ करते हैं अपना
प्रॉफिट और मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को देखना है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा कंप्लायंस है, खुद आप चेक करना चाहते हैं, किसी CHA से बात नहीं कर पा रहे फॉर एनी रीजन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ईजिली एक या दो स्टेप में आइसगेट में जाकर, आइसगेट जो कि इंडिया की सेंट्रलाइज वेबसाइट है फॉर कस्टम्स, वहां पर जाकर मैंने बताया किस तरीके से आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, आपको देख के पूरा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।